Assalamualaikum and welcome to my channel EHA Systems. Dear students, बहुत important और latest updates आपके साथ share करूंगी current situation के हवाले से. इस वक्त क्या current situations हैं, क्या हो रहा है, Twitter पे क्या trends चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ board क्या इकदामात कर रहा है, क्या notifications issue किए जा रहे हैं, तमाम बातें discuss करूंगी आपसे इस video में. इसलिए request है कि kindly video को till last देखिएगा. और अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी EHA Systems को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि EHA Systems हमेशा आपके साथ रियल और ऑथेंटिक टू द पॉइंट न्यूज शेयर करता है, ना कि किसी र्यूमर को तरजीह देता है. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से. तो डियर स्टूडेंट्स, आई अंडरस्टैंड कि जो सिचुएशन है इस वक्त, जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोग जो फेस कर रहे हैं एग्जाम्स 2021 के हवाले से, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है. हम सिर्फ टॉपर्स के बारे में अगर ना सोचें, अगर ओवरऑल ऑल स्टूडेंट्स के बारे में सोचें, तो हर स्टूडेंट का कैलिबर इतना नहीं होता कि वो अपने ओन पे स्टडी कर सके, खुद से पढ़ाई कर सके और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सके. उसके लिए टीचर्स, स्कूल, कॉलेज, एकेडमी, सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं और वो सब कुछ मिलकर उसकी अच्छी परसेंटेज बनाता है. पर इस बार कुछ सिचुएशन ये है कि ना तो स्कूल्स कॉलेजेस प्रॉपर डेज के लिए ओपन थे, जो चंद टाइम था उसमें भी अल्टरनेटिव डेज में क्लासेस थी, उसके अलावा अकेडमीज भी बंद थी, सारा कुछ. इस तरह स्टूडेंट्स के ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है. स्टूडेंट्स अपने राइट पे हैं. एक तरफ जहां स्टूडेंट्स ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें प्रमोट किया जाए, या दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स को डिले किया जाए, स्कूल्स कॉलेजेस को ओपन किया जाए, तो एक तरह से वो अपने राइट पे हैं. लेकिन साथ ही साथ अगर हम ऑफिशियली देखें, अगर हम शफकत महमूद साहब के बयानात को देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देखें, एनसीओसी के फाइनल डिसीजन को देखें, आईबीसीसी की तरफ से किया गया प्रॉपर फाइनल नोटिफिकेशन को देखें, तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम चीजों के बाद आई गेस कि ये जो अब चंद दिन आपके रह गए हैं, इस वक्त सिर्फ आपको स्टडी करनी चाहिए. आईबीसीसी ने प्रॉपर नोटिफिकेशन इशू कर दिया और उन्होंने कहा कि जितने भी ये र्यूमर्स हैं अबाउट प्रमोशन, अबाउट न्यू मीटिंग्स, ये सब र्यूमर्स हैं. कोई न्यू मीटिंग कंडक्ट नहीं होने वाली, ना ही एग्जाम्स के फैसलों में कोई चेंजेस होने वाली हैं. एग्जाम्स कैंसिलेशन इज नॉट पॉसिबल नाउ, ये डिक्लेयर कर दिया है आईबीसीसी ने. साथ ही साथ एनसीओसी पे बहुत सारे स्टूडेंट्स नजर लगाए बैठे थे कि वो कोई हमारे हक में बेहतर फैसला करेंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली डील किया गया है स्टूडेंट्स को और एनसीओसी ने क्लियर कट डिसीजन दे दिया कि एग्जाम्स 2021 के लिए जो डिसीजंस है वो सब एजुकेशनल मिनिस्टर्स के हवाले, और एजुकेशनल मिनिस्टर्स तो फाइनली डिसाइड कर चुके हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप लोगों को प्रमोशन की उम्मीद दिलाना आप लोगों के साथ हद से ज्यादा नाइंसाफी है. इस वक्त आप लोगों के एग्जाम्स 2021 स्तर पर हैं, तमाम बोर्ड्स अपनी रोल नंबर स्लिप्स इशू कर चुके हैं आप लोगों के, इवन के बीआईएससी लाहौर की रह गई थी वो भी कल इशू हो चुकी है रोल नंबर स्लिप, मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर की है आपके साथ, आप चेक कर सकते हैं. इसके अलावा बाकी जितने भी पंजाब बोर्ड से रिलेटेड बाकी जितने भी हैं बोर्ड, उन तमाम ने अपनी रोल नंबर स्लिप्स भी इशू कर दी हैं और साथ ही साथ डेट शीट्स तो ऑलरेडी इशूड थी. तो अब ये जो टाइम है ना, ये बहुत क्रिटिकल है. इस टाइम पे ना तो कोई प्रोटेस्ट फायदा कर सकेगा, ना ही कोई और प्रमोशन के हवाले से कोई इकदाम. ट्विटर ट्रेंड्स हो गए या जो कुछ भी हो गया, जितने ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स हैं, आप लोग जो स्टूडेंट्स इन सब चीजों से लिंक्ड हैं, उन्हें पता होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ट्विटर पे चल रहा है अबाउट कैंसिल ऑल एग्जाम्स एंड अबाउट प्रमोशन, वी नीड प्रमोशन, वी ऑल नीड प्रमोशन, इस टाइप के कितने ज्यादा ट्रेंड्स हैं. लेकिन उन सब ट्रेंड्स के रिमार्क्स में, उन सब ट्रेंड्स के जवाब में आईबीसीसी ने कल प्रॉपरली एक ट्वीट किया और उसमें क्लियर कट ये मेंशन कर दिया कि 9 to 12 अपने टाइम पे एग्जाम्स लिए जाएंगे. ये तमाम जितने भी नोटिफिकेशन हैं या जो कुछ भी है वो सब र्यूमर्स हैं, फेक हैं, कोई प्रमोशन नहीं होने वाली विदाउट एग्जाम्स. ये बात क्लियर कट डिक्लेयर कर दी गई है. इसलिए आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि काइंडली र्यूमर्स पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम्स पे फोकस करें. जस्ट प्रे कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए और साथ ही साथ अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से वर्क हार्ड करें. इंशाल्लाह आपका, आपकी की गई मेहनत रायगा नहीं जाएगी, आप लोग बहुत अच्छे से कामयाब होंगे. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड ऑथेंटिक न्यूज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.